आज मैं रेडिस अपने फार्म पे जाने के लिए हुआ था, बट उसी टाइम पे जो है ट्रेवर का फ़ोन आ गया, और ट्रेवर से जो है अपनी बातचीत ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है, ट्रेवर से भी अच्छी खासी दोस्ती चल रही है। और ट्रेवर ने बताया कि वो एक जगह पे छुपा हुआ है, और वो जगह है सैंडी शोर्स पे, और वो छुपा हुआ इसलिए क्योंकि कोई बाइकर गैंग है जो उस पर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो वहाँ पर छुप रखा है। और अभी मुझे वहाँ पर चलना पड़ेगा और उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। और अभी उसकी हेल्प करने से पहले मैं इधर देख लेता हूँ, ये है यहाँ पर जिम्मी का रूम है। अभी तो जिम्मी यहाँ पे है नहीं, ये शायद नीचे होंगे सारे के सारे, ऊपर कोई नहीं है यहाँ पे, बस जो अपनी मेड है वो साफ़ सफाई कर रही थी। एक बार नीचे चल के देख लेता हूँ, और फिर मैं चलता हूँ एक बार सैंडी शोर्स की तरफ, और वहाँ पे देखते हैं ड्राइवर को जो है कौन सी गैंग परेशान कर रही है। और इधर कोई म्यूज़िक की आवाज़ तो आ रही है, इधर इसका योगा चल रहा है। ये कौन सा योगा है? वो तो स्टेप अलग कर रहे हैं, ये कुछ और स्टेप कर रही है, इसका अलग ही ड्रामा चलता रहता है। और अभी वैसे और तो कोई यहाँ पे है नहीं, सब बाहर गए हुए हैं, तो मैं अपनी पार्किंग में चल लेता हूँ, और पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ, और आज जी वैगन लेके चलता हूँ। और जी वैगन से सैंडी शोर पे वैसे चलना ठीक रहेगा, बाकी लैम्बोर्गिनी तो मैं लेके जाऊँगा नहीं, क्योंकि लैम्बोर्गिनी तो बिल्कुल नहीं है, और हो सकता है वहाँ पर गैंग वगैरह अटैक कर दें, और किसी गैंग ने अगर अटैक किया तो अपनी लैम्बोर्गिनी फालतू में डैमेज हो जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो अभी एक काम करता हूँ, अभी यहाँ से पहले जी वैगन निकाल लेता हूँ। वैसे तो अपनी यहाँ पे जो है ये नई वाली BMW पार्क को रखी है, और लैम्बोर्गिनी पार्क को रखी है, और ये लैम्बोर्गिनी उरस है, ये तो मैं लेके जाऊंगा नहीं, ये तो काफी ज्यादा कॉस्टली है। अंदर अपनी दूसरी लैम्बोर्गिनी है वो भी नहीं लेनी, ये जी वैगन लेनी है। जी वैगन निकाल लेता हूँ यहाँ से, और जी वैगन को लेके चलता हूँ। ये गाड़ी ठीक है, इतनी ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बाकी लैम्बोर्गिनी तो काफी ज्यादा कॉस्टली है। और ये जो है इसमें कस्टम एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ है, और वैसे ये गाड़ी थोड़ा धुआं दे रही है, अभी भी जो है स्टार्ट हुई है तो कोल्ड स्टार्ट में थोड़ा धुआं दे रही है। और इस जी वैगन में दो साइलेंसर तो राइट साइड है, दोनों से भी फिलहाल धुआं निकल रहा है, और दो लेफ्ट साइड है। और अभी इस गाड़ी को बाहर निकालता हूँ, और मेरे को जाना है सैंडी शोर पे, और सैंडी शोर पे जाने के लिए ये वाला रास्ता है, यहाँ से राइट लेके चलता हूँ सैंडी शोर की तरफ। और अभी यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, आज इतना ट्रैफिक तो होता नहीं, आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक दिख रहा है। ये थोड़ी ऊंची गाड़ी, ओ बच गया अभी। ये गाड़ी जो है ना हैंडलिंग वैसे तो ठीक है, बस थोड़ा सा गाड़ी में बॉडी रोल है, इसलिए जो है इतनी तेज इसको मोड़ नहीं सकता, ज़्यादा तेज मोड़ने पे इसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और अभी एक बार बस सामने हाईवे आ गया, फिर तो जो है इस गाड़ी को सीधा भगाते हुए ले जाऊँगा। और वैसे इसकी स्पीड जो है काफ़ी सही है, इस गाड़ी की स्पीड जो है 200 तक तो आराम से पहुँच जाती है। और वैसे एक बाइकर गैंग यहाँ पे भी है, कहीं ये ही वाली गैंग तो नहीं है जो ड्राइवर को परेशान कर रही है? ये जो बंदे यहाँ बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी एक बाइकर गैंग का अड्डा है, और मेरे को लग रहा है शायद यही गैंग है जो ड्राइवर को परेशान कर रही है, उसका कुछ पंगा वगैरह हुआ होगा इनसे, इसलिए शायद परेशान कर रही है। तो अभी वैसे मैं थोड़ा सा आगे आ गया, यहाँ से मेरे को हाईवे लेना था, और हाईवे लेने के लिए राइट साइड का रास्ता लेना था, तो ये वाला रास्ता है जो हाईवे पर जाता है, और हाईवे से अब सीधा सैंडी शोर की तरफ चलता हूँ। तो मैं सैंडी शोर पे तो पहुंच गया हूं, और यहां पे ट्रैवलर ने जो मुझे लोकेशन भेजी है उसके हिसाब से यहां से जो है मुझे लेफ्ट लेना है, इधर से है रास्ता, मैंने GPS पे लोकेशन सेट कर रखी है। तो यहां पे वो किसी पुराने से ये ट्रेलर में छुपा हुआ है, ये वाला ट्रेलर है, और इधर ट्रैवलर छुप रखा है इसके अंदर। और वैसे सामने जो है ना एक दो बंदे खड़े हुए हैं, वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नज़र रख रहा हो बाहर से, और जैसे ही मैं अंदर जाऊँ यहाँ पर अटैक शुरू हो जाए। एक बार मैं आराम से घूम के देख लेता हूँ इन बंदों के पास जाके कि ये हैं कौन, और इस पर तो मेरे को डाउट भी लग रहा है कि ये जो है यहाँ पे नज़र रख रहा है, और एक बाइक वाला गया भी है यहाँ से, और ये तो फ़ोन पे बात कर रहा है, तो थोड़ा केयरफुली होके जाना पड़ेगा। और एक और बाइक वाला गया है, तो यहाँ पर अटैक होने के चांसेस हैं। गन वन तो मैं लेके आया हूँ साथ में, ऐसा कोई इशू नहीं है। और अपनी गाड़ी मैं इधर की साइड पार्क कर देता हूँ, और अभी अंदर चल के ड्राइवर की हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। अभी चलता हूँ अंदर और देखता हूँ कि अंदर सीन क्या है। और वैसे मेरे को उन दो बंदों पे लग रहा है कि वो बताने वाले हैं फ़ोन करके कि यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ पे अटैक होने वाला है। अभी देखता हूँ अंदर इसने कर क्या रहा है, ये क्या कर रखा है इसने, यहाँ पे तो गंद मचा रखी है, तो ये कभी नहीं सुधरने वाला, ये खा पी के यहाँ पे जो है इसने इतना बुरा हाल कर रखा है, और नीचे तो कॉकरोच भी चल रहे हैं, अगर कभी साफ़ सफाई तो कर लिया अगर यहाँ पे। और इधर ये बड़ा सही सा एक छोटा सा स्टैचू रखा हुआ है पंखे के पास,
चलो मैं देखता हूँ ये अंदर वाले कमरे में होगा और क्या कर रहा है ये। और ये मैं इसको देख ही रहा था, ये बाहर से गोली चलने लगी। ये क्या हुआ है, अटैक भी हो गया बाहर से। और ये ट्रेवर जो है इधर यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये सामने से तो पूरी गैंग आ गई है। एक मिनट, मेरे पास एक गन तो है और ये अभी तो फिलहाल पिस्टल ही है, पिस्टल से काम चलाता हूँ। और एक शॉर्ट गन है ये। और वो दो बंदे भी यहाँ से गायब हो गए हैं, मतलब वो इनके साथ ही थे। और पहले मैं कवर ले लूँ क्योंकि मेरे पास अभी पिस्टल है और एक मेरे पास है यहाँ पे स्नाइपर वाली राइफल और एक शॉर्ट गन। स्नाइपर वाली राइफल ले लेता हूँ। और ये इधर की साइड भी कोई है क्या? ये तो कोई नॉर्मल बंदा है। और यहाँ पे शायद और भी इनकी गैंग आ गई है। एक बंदा ये घूम रहा है, ये बाइक पे मैंने घूमते हुए देखा था पहले, तो ये तो गया है यहीं से। और यहाँ पे ये मतलब पहले से ही नज़र रख रहे थे। और ये ट्रैवलर इसलिए सही कह रहा था कि जो है यहाँ पे उस पर जो है कुछ बाइकर गैंग है जो अटैक करने की सोच रहे हैं, तो इसलिए मैं वो ट्रैवलर यहाँ बुला रहा था कि अगर मैं यहाँ पे होऊंगा तो उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और वैसे सारे के सारे तो अभी फ्लैट हो गए हैं और अभी तो नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे और आने वाले हैं। और वैसे सामने से एक गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी तो नहीं, ये बाइकर गैंग की नहीं है। एक और घूम रहा है क्वाड बाइक पे, ये भी क्या इनके साथ ही है? नहीं, ये लग तो इनरा इनके साथ है। तो ये गैंग है कौन सी, इस गैंग का पता करना पड़ेगा कि ये गैंग जो है अटैक क्यों कर रही है। और इसका जो है ड्राइवर को भी नहीं पता कि इस पर अटैक क्यों हो रहा है ये। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी लेके ना लेस्टर के पास चलता हूँ और लेस्टर इसके बारे में अपडेट कहीं से लेके मुझे बता पाएगा कि ये जो है अटैक हुआ क्यों है और ये गैंग है कौन सी। तो ये एक और बाइक वाला है, ये भी शायद इनके साथ ही है। नहीं, इसे इतने गन वन तो नहीं निकाली इसलिए जो है इसे कुछ नहीं कहता। तो वैसे तो ये बाइक वाला फिर से आया, ये बाइक वाला यहाँ पे घूम रहा है। एक मिनट, बार बार घूम रहा है, मतलब इनके साथ ही है ये, यहाँ पे नज़र रख रहा है। और शायद इसके और बंदे आने वाले हैं, इतने और बंदे आए इतने मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और ये तो बच गया। एक मिनट, ऐसे कैसे बचेगा, ऐसे कहाँ भग के जाएगा। और अभी जो है ये तो यहीं पे खड़ा हुआ है, ये नहीं आने वाला क्या साथ में? ये अलग ही अकड़ में रहता है, ये चलेगा नहीं शायद साथ में ना। तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, एक बार उसको बुलाने का ट्राई कर लेता हूँ, और आ जाएगा तो उसको ले चलता हूँ साथ में। अबे आ जा, अकेले क्या करेगा यहाँ पे। और फिर एक और बाइक वाला घूम रहा है यहाँ पे। तो ये बाइक वाली गैंग का जल्दी से कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा, आ ही नहीं रहा। चलो छोड़ो इसे, मैं निकलता हूँ यहाँ से और लेस्टर के पास चलता हूँ। और लेस्टर के पास चल के देखता हूँ लेस्टर क्या बताता है इसके बारे में। तो ये मैं लेस्टर के पास आ गया हूँ और लेस्टर ने मुझे बता भी दिया है कि वो जो है गैंग कांक पे रहती है और उसका ठिकाना क्या है। और जो मैं गैंग सोचा था ये वही वाली गैंग है जिसका मैंने ठिकाना दिखाया था। और इसे तो लेस्टर को भी कुछ काम है, ये जल्दी में है और गाड़ी में फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी बैठे हुए हैं, ये कहीं और किसी काम से जा रहे हैं, तो इन्हें जान देता हूँ। तो जो बाइकर गैंग है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है और उस गैंग का जो है कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा। ऐसे तो वो गैंग जो है बार बार अटैक करती रहेगी। और ये क्या बताने आ रहा है, ज़रा इससे बात कर लूँ एक बार। हाँ, तो लेसर ने बताया कि एक गन भी रखी हुई है स्पेशल वाली, अगर मैं उस बाइकर गैंग पे अटैक करने जाता हूँ तो वो मैं एक गन लेके जा सकता हूँ। और वो गन जो है मेरे को लेस्टर घर पे डिलीवर करा देगा और लेस्टर ने अपने बंदे को बोल दिया है। तो अभी मुझे एक बार जो है अपने घर पे चलना पड़ेगा, वहाँ से जो है वो गन उठानी है और देखता हूँ कौन सी गाड़ी लेके जानी है, या बाइक लेके चलता हूँ और फिर चलता हूँ उस वाली गैंग के ठिकाने पे। और वहाँ पे मेरे को लेस्टर ने बताया कि एक जो है सेफ भी है जिसमें काफ़ी सारे डायमंड्स रखे हुए हैं, तो वो डायमंड अगर मैं वहाँ से निकाल पाया तो जो है काफ़ी सही काम हो जाएगा। तो उन डायमंड्स का लेस्टर मुझे काफ़ी सही प्रॉफिट दिलवा देगा। तो अभी एक बार घर की तरफ चल लेता हूँ, अपनी गाड़ी लेता हूँ, अपनी गाड़ी यहाँ पे नीचे पार्किंग में पार्क है। तो अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क है और लेस्टर ने जो है बता भी दिया है कि इसने जो है अपने बंदे को बोल दिया है और वो गन जो है थोड़ी देर में अपने घर पर डिलीवर कर देगा। इतने मैं घर पहुँचूंगा, उससे पहले गन डिलीवर हो जाएगी। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ अभी घर की तरफ। और लेस्टर को मेरे को रास्ते में छोड़ना है तो इसको रास्ते में छोड़ दूंगा। और यहाँ से जो है ये वाला रास्ता है, लेस्टर को मेरे को रास्ते में ड्रॉप करना है तो इसको जो है ड्रॉप कर दूंगा, उसके बाद अपने घर पे निकल लूँगा। तो लेस्टर को मैं रास्ते में ड्रॉप कर दिया और अब अपने घर पे आ गया हूँ। गाड़ी मैं इधर ही पार्क कर देता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस वाले काम को करने के लिए ना बाइक पे जाऊँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अपनी गाड़ी का फालतू में नुकसान हो गया तो
इतना खर्चा बढ़ जाएगा। और अभी बस गन अंदर से पिकअप कर लेता हूँ, गन अंदर आ चुकी है, और उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ एक बाइक लेके और उस वाली गैंग का देखता हूँ कि आज मैं वहाँ से डायमंड चुरा पाता हूँ या नहीं चुरा पाता। और डायमंड वहाँ से चुरा पाया तो जो अपना काम सही बन जाएगा। और ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लड़ रहे हैं आपस में। अबे चल अंदर जा, बंद कर, अपने कमरे में जा, लड़ते रहते हो फालतू में। अभी मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है और थोड़ी सी ड्रेस मैंने जो है बाइकिंग वाली पहन ली है, क्योंकि अभी जिस इलाके में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सारे बाइकर्स हैं, और अगर मैं वहाँ पे अलग से जाता तो कोई भी पहचान लेता कि मैं बाहर से आया हूँ। और अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आराम से एंट्री कर सकूँ और जो है उस जगह तक पहुँच सकूँ जहाँ पे डायमंड रखे हुए हैं, और एक बार डायमंड मेरे हाथ लग जाए उसके बाद तो मैं वहाँ से ईजिली निकल लूँगा। और उसके बाद देखते हैं कि लेस्टर उनका मुझे कितना प्राइस दिलवाता है। और ये वाली बाइक मैंने एक मंगा ली है, और ये बाइक जो है काफ़ी सही लग रही है, और ये जो है पुरानी बाइक है बट मॉडिफाइड है और इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी इस बाइक को लेके चलता हूँ उसी जगह पे जहाँ पे जो है उन बाइकर गैंग का ठिकाना है, और हेलमेट लगा लिया ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाइक तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। और बाइक में तो जो है हैंडलिंग का इतना इशू भी नहीं है, इजीली बीच में से निकाल सकता हूँ। अब है देख के रुक जा भाई, और सही लग रही है एकदम। अभी मैं इस एरिया में पहुँच तो गया, अभी एक काम करता हूँ थोड़ा सा आगे चलता हूँ और वहाँ से जो है पहले एक बार अपनी गन को चला के देखता हूँ, क्योंकि जो गन मुझे भेजी है लेस्टर ने वो मैंने अभी तक चला ही नहीं है, एक बार उस गन को भी चला के देखना है। और वैसे ठिकाना तो वो ये वाला है जहाँ पे मुझे अंदर एंट्री करनी है, और ये सारे के सारे तो बाहर जो है सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए हैं। अभी थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इन्हें डाउट नहीं होना चाहिए, इधर माउंटेन के ऊपर चल लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे पहले गन को एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। ये वाला एरिया खाली है, यहाँ पे कोई नहीं आता, इधर की साइड यहाँ पे ऊपर लगा लेता हूँ, यहाँ से मुझे दिख भी जाएगा। वो सामने वाली जगह है वहाँ पर जाना मेरे को, और अभी पहले तो मैं जो है उस गन को निकाल लूँ। तो वहाँ से मेरे को एस्केप रूट भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उधर जाके मैं अटैक तो कर दूंगा, बट निकलने के लिए मेरे को लग रहा है यही वाला रास्ता ठीक रहेगा, इसी रास्ते से आ जाऊँगा और यहाँ पे माउंटेन की तरफ ऊपर चला जाऊँगा, या फिर यहाँ से हाईवे ले लूँगा और अपनी लोहगढ़ की तरफ चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर इस वाले काम के बाद सिटी में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मचने वाली है, और दूसरी गैंग भी अपने पीछे पड़ने वाली है और पुलिस भी पीछे पड़ने वाली है। भाई फ़िलहाल मेरे को जो गन भेजी है वो गन ये वाली है, मिनी गन, और इसे थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेता हूँ, इसे यहाँ पे चला। ओह ये तो काफ़ी सही है, ये तो अकेले ही सबका काम तमाम कर देगी, क्या सही है ये। इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, ये तो गन काफ़ी सही है। इसमें कितनी बुलेट है, अभी बुलेट भी देख लूँ, इसमें अभी 6686 बुलेट है, तो काफ़ी सारी बुलेट है। बाकी अपना स्टिकी बम भी है और शॉर्ट गन भी है, तो अभी चलता हूँ वहाँ पे और वहाँ से पहले जो है सेफली एंटर करने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा पंगे ना हो, और सेफली मैं एक बार अंदर तक पहुँच जाऊँ। अब इनके पास मैं जाऊँगा तो ये अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये अलर्ट हैं, ड्राइवर पे इन्होंने हमला करवाया है, तो वहाँ पे जो है इनके काफ़ी सारे बंदे फ्लैट कर दिए थे। मैं क्या करता हूँ बाइक को तो यहीं छोड़ देता हूँ, और ओ इन्होंने पहचान लिया, इन्होंने सीधा वहाँ से गोली चलानी शुरू कर दी, तो इनको पहले से आइडिया था कि यहाँ पे अटैक हो सकता है। तो अभी अपनी मिनी गन निकालने का टाइम आ ही गया है, कितने होंगे ये, 15-20 ज़्यादा से ज़्यादा इस गन के सामने तो नहीं टिक पाएंगे। आ जा, 5 थे 5 तो फ्लैट कर दिए, और सेकंड नहीं लगी इस वाली गन से इन्हें फ्लैट करने में, और वैसे अंदर और भी हैं, थोड़ा कवर लेके चलता हूँ नहीं तो एकदम से जो है वहाँ से अटैक कर सकते हैं। ओ दो वहाँ पे हैं, आओ सामने आ जा, 3 तो गए, इधर है कोई, इधर तो नहीं है, बाइकें तो काफ़ी सारी खड़ी है यहाँ पे, सामने है एक तो ऊपर चढ़ा हुआ है वहाँ पे। अम्मी को भी लग रहा बाहर और कोई है, और बाहर अगर और होंगे तो मैं पहले अंदर एंट्री कर लेता हूँ, और इसको रीलोड करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिनी गन को। और इधर अंदर किसी की आवाज़ तो आ रही है, ये रहा यहाँ पे है।
तो अंदर से और आवाज भी आ रही है, मतलब कितने सारे हैं ये। और किधर से यहाँ छुप के, अबे तेरी, यहाँ छुप के क्या गोली चलाया तू, देख लिया मैंने क्या ले रहा है हाथ में। हाँ चल जा, इसके अंदर क्या है, ये तो वॉशरूम है, यहाँ पे तो नहीं है। और यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है ये वाली जो है सेफ है, जिसके अंदर सारा कुछ रखा हुआ है, इसको जो है खोलने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें लॉक भी ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर वाला लगा हुआ है, तो इसको खोलने के लिए भी ना बड़ी मेहनत लगेगी। और यहाँ पे कहीं आवाज़ आ रही है, इधर खुल गया, अब राइट साइड एक तो खुल गया, इसमें तीन लॉक होते हैं अंदर, इधर कहीं खुलेगा दूसरा भी खुल गया, एक लॉक और रह गया बस, फिर ये वाली सेफ खुल जाएगी, इसमें से डायमंड का बैग निकाल लूँगा, बस खुल गई ये। तो ये वाला काम तो हो गया, और ये सामने डायमंड का बैग रखा हुआ है, डायमंड का बैग मैंने इसमें से उठा लिया और अपने बैग के अंदर रख लिया, और अब बस यहाँ से बाहर निकलना है सेफली, ऐसा ना हो कि जो है बाहर और गैंग इंतजार कर रही हो मेरा, और ये यहाँ पे जो मैंने गोलियाँ चलाई हैं क्या दीवार पे छेद हुए हैं, क्योंकि ये मिनी गन बड़े काम की चीज़ है। तो लेसर ने जो है इसीलिए कहा कि मैं अकेले इस वाले मिशन को कर पाऊँगा, क्योंकि वो मिनी गन भेजने वाला था, और मिनी गन से जो है मेरे को एक मिनट भी लगी एंटर करने में, और ये बाहर दूसरे और बंदे भी हैं, मेरे को लग ही रहा था कि बाहर और बंदे आ चुके होंगे। एक मिनट गन निकाल के चलता हूँ, बिना गन के था इसीलिए तुम अटैक कर रहे थे, आओ। आ जाओ। और एक ये सामने से है, ये मुझे पता था कि बाद में आने वाले होंगे, क्योंकि नॉर्मल है इनकी गैंग जो है काफी ज्यादा बड़ी है, तो ये इतनी जल्दी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले। और अब क्या है मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे इन्हें मारता रहा तो ये आते ही रहेंगे, और ये काफ़ी सारे हैं। तो इधर से निकलने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनकी एक बाइक ले लेता हूँ, अपनी बाइक तक तो बाहर नहीं पहुँचा जाएगा, बाहर और बंदे भी जो है खड़े होंगे, ये वाली बाइक ले लेता हूँ, ये वाली बाइक ठीक है। और ये किक से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ से निकलता हूँ इधर की साइड हाईवे से, और अभी पहले मेरे को सिटी से बाहर निकलना है, और सिटी से बाहर निकल के जाना है अपनी जो है लॉक हट के पास माउंटेन पे, और लॉक हट पे जाने के लिए मेरे को हाईवे लेना पड़ेगा ये वाला। अबे देख के आराम से भाई, गाड़ी वाला एकदम से जो है मोड़ रहा है, और अब यहाँ से इस बाइक की मैक्सिमम स्पीड पे से भगाते हुए लेके जाता हूँ, और यहाँ से जल्दी से इस सिटी से बाहर निकल लेता हूँ। और वैसे तो इस बाइक की स्पीड ज़्यादा नहीं है, 130 तक ही जा रही है मैक्सिमम, और चलाने में काफ़ी सही है ये बाइक, ये 130 ही पहुँच पा रही है, 132 गई है, 140 तक पहुँच गई, 150 तक पहुँच गई वैसे बाइक की, पहले तो 132 तक पहुँच रही थी। और ये मैं अपनी लॉगट के पास आ चुका हूँ, और ये तो बिल्कुल सेफ एरिया है, यहाँ तो जो है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर कोई नहीं आता, किसी को पता भी नहीं है कि यहाँ पे लॉगट है, और ये माउंटेन के ऊपर टॉप पे है और जंगल के बीचों बीच है, और ये मैंने बनाई इसलिए थी कि यहाँ पे कोई ना आ सके और सेफली अपना हाइड आउट हो सके। बाकी इस बाइक को यहाँ ही पार्क कर देता हूँ, और अब इस एरिया में तो मैं आराम से रह सकता हूँ। वैसे तो अभी जो है मेरे को 2-3 दिन यहाँ पे थोड़ा अंडरग्राउंड होके रहना पड़ेगा, इतने मामला शांत नहीं रहता, उसके बाद एक बार वापस सिटी में चलेंगे। और अभी जो है इतने तो मैं ये वाले डायमंड जो है अपने पास ही रखने वाला हूँ, बाकी लेस्टर को एक बार कॉल करके बता दूंगा कि डायमंड मिल चुके हैं, वो इतने कोई ना कोई डील इसके लिए जो है तैयार कर लेगा। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।